क्या ट्रंप पर गोलियां चलाने में पाकिस्तानी भी मुलविस निकले? क्या पाकिस्तान भी चाहता है कि ट्रंप इक्तदार में ना आए? बहुत से खदशात जो हैं दोस्तों, अब वो सामने आते जा रहे हैं। अमेरिका में आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इंकशाफ सामने आ रहे हैं कि ट्रंप पर हमले से पहले ये शख्स जो है आसिफ मर्चेंट, ये ईरान जाता है। ईरान से ये शख्स पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से दोबारा ये अमेरिका जाता है। अमेरिका में कुछ शख्सियात से मिलता है जिसमें इसकी ऑडियो वगैरह या कॉल लीक भी हुई है, जिसमें ये कहता है कि इसको और हिटमैन चाहिए, यानी कि किराए के कातिल चाहिए। और अब अमेरिका ने इस पर इल्जाम लगाया है कि ये अमेरिका में बहुत से सियासतदानों को निशाना बनाना चाहता था और इनको कत्ल करना चाहता था। इससे पहले ही इसकी बड़ी साजिश जो है वो पकड़ी गई है। और इस शख्स के हवाले से कहा जा रहा है कि ये ईरान के साथ मिलकर जो है ये कत्ल करना चाहता था। लेकिन अभी तक ये सबूत सामने नहीं आ सके हैं कि क्या ट्रंप पर जो गोलियां चली हैं उसमें भी ये मुलविस था या नहीं, क्योंकि बहुत से शवाहिद जो हैं अब इकट्ठे किए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि क्योंकि ट्रंप के आने से पाकिस्तान में बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हैं, इसीलिए अब जो है अमेरिका में इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट दोस्तों सामने आई है, वो क्या कह रही हैं आप ये सुने जरा। अमरीकी हुकूमत ने एक 46 साल पाकिस्तानी शख्स पर फर्द जुर्म आयद की है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने अपनी क्रिमिनल कंप्लेंट्स में कहा है कि आसिफ मर्चेंट नामी पाकिस्तानी शख्स के टाइज जो हैं वो ईरान के साथ हैं और वो ईरान के साथ मिलकर मुबैना तौर पर यहाँ अमरीका में सियासतदानों और करंट और फॉर्मर यूएस ऑफिशल्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मुमकिन असासिनेशन की मनसूबा बंदी कर रहे थे। अब यहाँ पर इसका जिक्र भी ज़रूरी है कि जुलाई में सदर ट्रंप की रैली पर उन पर एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई, और इस कंप्लेंट में ये तो नहीं कहा गया कि इस शख्स का बराह रास्त कोई ताल्लुक अभी तक सामने नहीं आया उस रैली में सदर ट्रंप पर जिस शख्स ने गोली चलाई उससे। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि FBI ने उस रैली पर अटैक से कई हफ्ते पहले ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को मुतला कर दिया था कि इस तरह की एक बैन अक्वामी साजिश जिसमें ईरान का मुमकिन तौर पर हाथ हो सकता है अमरीका में सियासतदानों के खिलाफ हो रही है। और फिर उसके बाद रैली पर हमले के बाद सियासतदानों और ऑफिशल्स की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया था। जस्टिस डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कंप्लेंट के मुताबिक आसिफ मर्चेंट जो है उन्होंने ईरान में कुछ वक्त गुजारा, फिर वो पाकिस्तान गए, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क में आए। फिर न्यूयॉर्क में अप्रैल में वो इस मकसद के लिए एक शख्स से मिले और उस शख्स से मुलाकात में उन्होंने मुबैना तौर पर अपने इन अजायम का, यानी मुबैना US पॉलिटिशियंस की असैसिनेशन या ऑफिशल्स की असैसिनेशन का जिक्र करते हुए बंदूक का, गोली का निशाना बनाया, जिसका मकसद ये अखज़ किया जा रहा है कि इस मनसूबाबंदी में असैसिनेशन भी इन्वॉल्व थी। फिर इस शख्स से उन्होंने, आसिफ मर्चेंट ने इस क्रिमिनल कंप्लेंट के मुताबिक ये भी कहा कि ये मंसूबा बड़ा है, इसलिए उन्हें मज़ीद लोग चाहिए, मज़ीद हिटमैन चाहिए जो कि ये ऑपरेशन कैरी आउट कर सके। अब इस कंप्लेंट के मुताबिक ये शख्स जिसको इस कंप्लेंट में CS कहा गया है, यानी कॉन्फिडेंट